मैं थोड़ा कम हेल्दी हूँ बिकॉज मेरी फिंगर में पंगा रखा है। ये जम्मू की पिनिया बहुत फेमस है और मैं आधा डब्बा रगड़ चुका हूँ। नो टू हायाबुसा। यहाँ पे सब आओ, इधर आके फोटो खिंचाओ। और ये रहा इनका पिट स्टॉप द राइडर्स कैफे। सत श्री अकाल जी सारे। आई होप आप सब जहाँ भी हैं खुश हो एंड हेल्दी हैं। अब आप तो हेल्दी हो ही, लेकिन मैं थोड़ा कम हेल्दी हूँ बिकॉज मेरी फिंगर में पंगा रखा है, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा है। अभी भी अगर इसे खोलो तो ये अटक रही है बहुत ज्यादा और बहुत पेन करती है। ये पेन यहाँ से यहाँ तक जाती है एंड सीरियसली करंट जैसी फील आती है। मैंने दो दिन से वर्कआउट पे भी रेस्ट ली है, ना ही मैं बाइक चला रहा हूँ बिकॉज ये पेन ना बढ़ रही है उन चीजों से। तो मैंने सोचा पहले एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, डॉक्टर एक बार चेक कर ले, इसका एक्सरे करा ले, अगर सब चीजें ठीक निकलती है तो अपनी नॉर्मल रूटीन में आते हैं, नहीं तो थोड़े प्रिकॉशंस जो लेने हैं जैसा डॉक्टर बताएगा तो वो चीज करेंगे। तो अभी आरोही ने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है जिसके पास हमें जाना है। काफी अच्छा ऑर्थोपेडिशियन है, एक बार उसे दिखा लेते हैं। उसके वहां पे एक्सरे वगैरह की सारी सुविधाएं हैं, तो एक बार इसका एक्सरे भी हो जाएगा तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या। देखो एक्सरे के बिना ना पता नहीं चलेगा क्योंकि सबकी अलग अलग राय रहती है। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ लोगों से कि ऐसा हुआ है मेरे हाथ के साथ, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ना वो सब ऊपर से ना बाउंसर निकल जाते हैं। एक डॉक्टर जो बताएगा तभी समझ आ पाएगी चीज की कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या है। बट आई होप ये छोटे मोटे में निपट जाए, ज्यादा लंबा ना हो, बिकॉज मैंने ना बहुत सोचा था कि जिम रेगुलर करना है, थोड़ा बॉडी पे ध्यान देना है, लेकिन ये ना पंगा डाल रहा है और मैं ऐसा कोई पंगा चाहता नहीं हूँ। तो मैं हो गया हूँ रेडी, आरोही रेडी हो रही है। और ये देखो ये बैठा है हमारा मैक्सी, जो बस सोता रहता है प्यार से, ऐसा कुचू मुचू होके ना, जैसे सर्दियां आ रही है मतलब ये मस्ती कर रहे होते हैं। डायना अंदर गई हुई है, डायना बाहर नहीं है। तो मैं तैयार हो गया हूँ, आरोही फटाफट तैयार हो रही है, हम निकलेंगे डॉक्टर के पास। एक बार डॉक्टर को दिखा के आएंगे, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं और मैं आके आपसे मिलता हूँ, आपको सारी डिटेल देता हूँ। 2 hours later गाइस ये देखो जम्मू से ना पिनिया आई है। ये जम्मू की पिनिया बहुत फेमस है और मैं आधा डब्बा रगड़ चुका हूँ, अभी भी खा के ही हटा हूँ। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देते हैं हमारे जम्मू की मिठाई। एंड यस डॉक्टर को हम दिखा के आ गए हैं, फिंगर दिखा दिए डॉक्टर को, उसने इसका एक्सरे करके देख लिया, जो भी उनको टच करके स्ट्रेचिंग करके देखना होता है उसने सारी चीजें चेक कर ली। एंड टेंशन की बात है, सबसे पहली बात टेंशन की ये है कि उसने मेरी बाइक चलाना बंद कर दी। नो टू हायाबुसा। अब मैं आपको उसका रीजन भी बताता हूँ। इसका एक्सरे करा उसने, मुझे इस फिंगर में कंडीशन हुई एंड दैट इज ट्रिगर फिंगर। आपने बहुत बार टेनिस एल्बो का नाम सुना होगा, वैसे ही ना हाथ पे कुछ हो जाता है जिसे ट्रिगर फिंगर कहते हैं। अब उसमें होता क्या है, यहां पे एक टेंडन रहता है, उस टेंडन में मुझे इंफ्लेमेशन हो गई बहुत ज्यादा एंड देयर इज वन टनल इस और इस जॉइंट के बीच में जिसमें से वो टेंडन क्रॉस करता है, और जब मैं फिंगर को ये मूव करता हूं तो वहां पे वो टेंडन अटक रहा है उस टनल में। उसी की वजह से मुझे वो करंट वाली फीलिंग वो सब चीजें आ रही हैं। जब तक वो इंफ्लेमेशन कम नहीं होगी ये ठीक नहीं होगा। एंड यस मैंने अपने ब्लड टेस्ट भी कराए, उसने मेरे ब्लड टेस्ट करने को बोला था, विटामिन D3 मेरा काफी कम आया, दैट इज लेस देन 20 और उसका सफिशिएंट लेवल इज अबव 30। तो उसने मेरे वो सप्लीमेंट भी शुरू किए, वो मेडिसिन भी शुरू किया, आई डोंट नो क्यों इतना कम क्यों आया। वैसे जनरली वो कम ही रहता है, जब आप जिम विम जाते हो आपका विटामिन D3 हमेशा कम रहता है, लेकिन इतना कम हो गया तो मे बी उसकी वजह से भी ऐसी ये प्रॉब्लम जो आई है आ गई हो। बट जो मेन रीजन इसका उसने बताया, डॉक्टर ने मुझे पूछा कि कोई वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हुई हो हाथ में, तो मैंने उसे जिम के बारे में बताया। तो डॉक्टर ने बोला कि जिम से ये प्रॉब्लम नहीं होती, दिस इज बिकॉज ऑफ समथिंग जो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही हो। फिर मैंने उसे बताया कि मैं जम्मू गया था अपने हायाबुसा में और मैंने 2000 किलोमीटर का अप डाउन करा, एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से ये हुआ है। बाइक चला के जो मैंने इतना लंबा सफर किया था बाइक पे, उस पे जो मैंने आना जाना किया, इस पे लोड आया, बिकॉज़ जब मैं जम्मू से वापस आया था मुझे इस एरिया में ऑलरेडी बहुत पेन हो रही थी। मैं वर्कआउट करने गया था, मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था ढंग से, और यही पेन फिर गोवा में चलेगी ऊपर, बिकॉज ये सब कनेक्टेड रहता है, और फिर यहाँ पे वो उंगली अटकने वाला सीन स्टार्ट हो गया। अब डॉक्टर ने मुझे 2-3 हफ्ते बाइक से रेस्ट लेने को बोला है, जो मेडिसिन दी है उसने वो खाने को बोला है, एंड इसकी फिजियोथेरेपी कराने को बोला है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इसमें फोल्ड कर लेता हूं बिकॉज ऊपर आरोही का नंबर है। ये देखो, अगर आप यहां पे देखोगे तो कंप्लेंट में आया है राइट लिटल ट्रिगर फिंगर सिंस 2-3 वीक्स इंटरमिटेंट, मतलब बीच के लेवल पे ज्यादा सीरियस नहीं है। ऑब्जर्वेशन में टेंडर A1 पुली, ट्रिगर प्रेजेंट, डायग्नोसिस में ट्रिगर फिंगर। अब उसने जो ये सारी तो मेडिसिन आ गई जो मुझे खानी है, अब जनरल इंस्ट्रक्शन में जो फिजियो का है, फिजियो अल्ट्रासोनिक्स IFT फिंगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेंथनिंग रिव्यू आफ्टर 2-3 वीक्स। अब डॉक्टर ने एक चीज बोली है कि पहले फिजियो करानी है, मेडिसिन खानी है, उससे ही 17-18 दिन में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये ठीक नहीं होता है, उसे फिंगर की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो कोई यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं उस टेंडन पे और उसकी इन्फ्लेमेशन खत्म होती है उससे, लेकिन अगर उस इंजेक्शन से भी मुझे आराम नहीं आएगा तो देन द लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी, जो प्लीज ना हो, उससे पहले ठीक हो जाए। मैं बहुत मेहनत करूंगा इस पे, इसको अच्छे से ठीक करेंगे, लेकिन भाई ये पंगे वाला काम ही है, मतलब मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसने पूछा आप ग्लव्स पहनेंगे, बाइक चलाते हो, आप सब करते हो, बताया राइडिंग गियर हमेशा डाला होता है हमने, पता नहीं क्यों है, मे बी वो जो 2000 किलोमीटर का इतना लंबा स्ट्रेच था ना उसी में ही पंगे पड़े हैं, बिकॉज इतना लंबा बाइक चलाते हो कहीं ना
कहीं हायाबुसा पे ना आप थोड़ा आगे होके बैठते हो तो इस पर प्रेशर रहता है। तभी कहते हैं ना लॉन्ग ट्रिप पे आप वो एडवेंचर टाइप बाइक ऐसे या फिर कोई हार्ले क्रूजर लेके जाओ जिसमें आप सीधे बैठते हो तो हाथों में इतना लोड नहीं रहता। तो हर चीज ना अपने तरीके के लिए बनी होती है। बेशक हायाबुसा एक स्पोर्ट्स टूरर कहते हैं बट लग गई अपनी तो टूरर कितना ही है मुझे पता नहीं, लेकिन स्टिल ये सारी चीज है, ये सारी सिचुएशन बनी जो मैं आपको बता रहा था, ये हुआ है मेरे साथ। और लास्ट व्लॉग में भी जो इस उंगली ने करा था ना, तो मैं बाइक तो वैसे अवॉइड करूंगा चलाना, मैं पंगे नहीं लूंगा। अपने पास गाड़ी है यार, दो दो गाड़ियां चलाएंगे थोड़े दिन के लिए, बाइक थोड़े दिन के बाद चला लेंगे, ये ठीक हो जाए एक बार। बिकॉज अभी तो क्लियरली डॉक्टर ने बोला कि बाइक नहीं चलानी है, बिकॉज 1300cc का अपना बाइक है और हायाबुसा से स्मूथ है लेकिन वाइब्रेशन रहती ही है। आपको पता ही है कि थ्रॉटल पे हाथ पे क्या इंपैक्ट आता है उसका, तो मुझे थोड़ी सी उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी। बट यस, जो मुझे डर था कि एक्सरे जब हुआ कि कोई हड्डी ना टूटी हो, तो हड्डी वड्डी नहीं टूटी है, वो बचा हुआ है अपने को, कोई प्लास्टर फ्रैक्चर वो सब नहीं होगा, नॉर्मली ऐसे ही रहना है। बस इसका ध्यान रखना है, फिजियो चलेगी रेगुलरली, मैं आपको एक आधा फिजियो का सेशन भी अपना दिखा दूंगा जब वो आएंगे, आपको भी पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है, अल्ट्रासोनिक IFT ये सब क्या होता है, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ताकि किसी आपके किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको ऑलरेडी पता हो कि आपके भाई के साथ क्या हुआ था और आपको उसमें क्या करना है। एंड यस, आरू अभी नीचे गई हुई है मेरी मेडिसिन लेने के लिए, मैं ऊपर आ गया था, आरू एक बार मेडिसिन लेके आएगी, देन वी हैव टू गो टू नारायणा। हम नारायणा क्यों जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे दोस्त से मिलने, किसी ने एक बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया नारायणा में, एक बहुत तगड़ा राइडर्स कैफे बना है, मतलब उसका नाम क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो कैफे कैसा है, मैं आपको वहां जाके दिखाऊंगा। मुझे भैया ने इनवाइट किया था, कहते आरोही को भी ले आओ एक बार मिल लेंगे, तो अभी आरोही ऊपर आती है, हम एक बार रेडी हो जाते हैं, डूड बन जाता है आपका भाई और फिर हम चलते हैं नारायणा, और आपको मैं जाके वो जो राइडर्स कैफे है ना जबरदस्त वाला वो दिखाता हूँ, क्योंकि आगे से जब मैं ठीक हो जाऊंगा, हमारी ग्रुप राइड हुआ करेगी, मैं कोशिश करूंगा अपने जो हमारा सारा ग्रुप है हम वहां पे जाके ब्रेकफास्ट क्या करें और वहां जाके मजे मारा करें। सो गिव मी सम टाइम आरोही, आज हम रेडी होते हैं और फिर आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। One hour later. तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं दिल्ली नारायणा, जहां पे मुझे आना था अपने एक फ्रेंड को मिलने। बहुत ही अच्छा कैफे बनाया उन्होंने, मतलब दिल खुश हो गया। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड है कौन से, आपको याद होगा जिन्होंने भी मेरा व्लॉग देखा है जम्मू वाला ग्रुप राइड वाला, जो मैं संडे जम्मू के ग्रुप के साथ राइड करने गया था। तो पिट स्टॉप है जम्मू में एक, पिट स्टॉप राइडर्स कैफे, जिसके ओनर है बुरान मानी, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उन्होंने ही यहाँ पे बहुत प्यारा कैफे खोला है, पिट स्टॉप द राइडर्स कैफे दिल्ली। ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, वो देखो वहाँ पे कावासाकी के बिल्कुल साथ ही आ गया पिट स्टॉप द राइडर्स कैफे। देखो कितना प्यारा और कितना बड़ा खोला है, दैट इज सर्विस सेक्शन, ये उनका प्रॉपर कैफे है। बाहर की सिटी में भी आपको दिखाता हूँ सारा, और यहाँ पे आगे जाके मोटर आर्ट और डुकाटी वगैरह सब है इस रोड पे आगे। अब एक बार अंदर चलते, अंदर जाके उनको मिलते हैं, आरोही ऑलरेडी अंदर चली गई है। एंड ये रही अपनी प्यारी अलकाजार, एंड हम अलकाजार में आया बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर ने एक बुरी खबर दे दी है कि मैं बाइक नहीं चला सकता थोड़ी देर, मुझे थोड़ा रेस्ट लेना है, गैप लेना है इसको ठीक करने के लिए। मैं अंदर चलता हूँ, आपको एक बार पूरा कैफे दिखाता हूँ, आरोही से मिलाता हूँ और बुरान भैया से भी मिलाता हूँ। तो ये देखो ये खड़ी एक निंजा 300, मे बी ये सर्विस के लिए आई हुई, इनका सर्विस सेक्शन है यहाँ पे अंदर। ये एक बेड लगा है, ये ऊपर जाएगा और यहाँ से सीधा अंदर अंदर आपकी बाइक सर्विस होगी। ये देखो यहाँ पे बाहर सेटिंग इन्होंने बनाई है बहुत प्यारी, बाइक देखो जगह की क्या मस्त जगह बनाई है, ये आ गया हीटर ठंड से बचाने के लिए। एंड ये देखो ये पाथवे कितना अच्छा बनाया है इन्होंने, अच्छा सामने विंग्स भी बने हैं, यहाँ पे आके ना सबने फोटो खिंचाने हैं, यहाँ पे सब आओ इधर आके फोटो खिंचाओ। और ये रहा इनका पिट स्टॉप द राइडर्स कैफे, और वो रही तुम्हारी भाभी गायब हो गई, यही तो छोड़ के गया था ये, तुम क्या छुपी हुई हो, दिखाओ आगे से दिखाओ। अरे इसकी आंखें तो देखो, तुम्हारी जितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं तुम्हारी भी तो बड़ी बड़ी आंखें, नोज छोटा उसका, हाँ। तुम्हारी नाक जितना बड़ा नाक नहीं उस हेलमेट का, किसका भी नहीं हो सकता। तो ये देखो, दिस इज पिट स्टॉप द राइडर्स कैफे एंड दिस इज लुकिंग सो कूल, कितना अच्छा है, मतलब प्रॉपर सेटिंग है। ये सामने जहाँ पे कॉफी बनाने का सारा वो इनका जगह आ गई, मैनेजर हमारे मैनेजर साहब बैठे हैं, ये यहाँ पे सारा संभालेंगे, हम इनको मिलते रहेंगे आके। एंड दिस इज यहाँ से अंदर जाने का जो सर्विस एरिया, ये अभी पूरा सेट नहीं हुआ है, ये भी सेट होगा। तुम्हें कैसा लगा, कॉफी आ गई आपकी, बुरान भैया कहाँ गए, बुरान भैया को ढूंढते हैं, बुरान भैया से मिलते हैं अब। एंड ये देखो ये जम्मू में भी जो इनका पिट स्टॉप है उस पे भी जो बाहर टेबल्स है ना वो बहुत ही मतलब फंकी तरीके से बनाए हुए हैं। यहाँ भी देखो ये अलॉय लगा है बीच में, आई थिंक दिस इज चासी, हाँ वहाँ भी चासी लगी है। और देखो ये कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, ये आ गया बुरान भैया, आई होप सबने पहचान लिया होगा ना हमारे फैट बॉब वाले भैया, फैट बॉब वाले भैया, फैट बॉब वाले, पिट स्टॉप एंड फैट बॉब वाले भैया, एब्सोल्यूट। बट हमने एक चीज मिस कर दी, आपने तो प्यार से वाले कॉफी बनाई, वो शूट नहीं हो पाई,
तो हम एंजॉय करते हैं कॉफी, यहाँ पे कॉफी पीते हैं मजे से। एक चिकन की आइटम है जो बुरहान भाई कह रहे हैं बहुत टेस्टी है, वो भी हम खाएंगे एंड फिर बाकी चीजें आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। Many hours later. एंड हम आगे घर वापस एंड बहुत मजा आया पिट स्टॉप में द राइडर्स कैफे में। बुरहान भैया मतलब उन्होंने एक चिकन खिलाया, चिली चिकन था, वैसे भी हमें बहुत पसंद है, बट वो चिली चिकन बहुत टेस्टी था एंड यस कॉफी बहुत अच्छी थी। उन्होंने खुद हमें कॉफी बना के पिलाई अपने प्यारे हाथों से एंड हम आगे लिफ्ट में अभी जाएंगे ऊपर, मिलेंगे दो भूतों से, एक का नाम है मैक्स, एक का नाम है डायना। तीसरी भूत है ये आरोहे कपूर भूतनी, भूतनी। और इसकी अब मुझे ना जल्दी ही फिजियोथेरेपी शुरू करनी है, कल पहला इसका मैं सेशन करवा लूंगा फिजियोथेरेपी का। मैंने आज वैसे बात कर ली एक फिजियोथेरेपिस्ट से। भूतों की भौंकने की आवाज आ रही है, वेट फॉर इट, मारेंगे तुम्हें वो, देखते जाओ क्या करेंगे भी वो। भूत आगे, भूत आगे, भूत आगे, कल भूत डायना बोलते तो डायना बोलते तो मारो तरीके तो ये ऐसे दो भूत हमारे में फटाफट से चेंज कर लेता हूँ। अब टाइम है डिनर का, मैं ना अभी जिम जाऊंगा, अभी बज रहे हैं 10 मिनट कम 11, तो अभी मैं जिम के लिए निकलूंगा बिकॉज मेरा जिम 12 बजे तक खुला होता है। एक घंटे का फटाफट वर्कआउट लगा लेते हैं, मिस नहीं करना जिम। एंड यस एक जो बहुत अच्छी चीज डॉक्टर ने बोली कि इसके रिलेटेड जिम का कोई पंगा नहीं है, ये जिम से नहीं हुआ तो मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। तो आज का ब्लॉग खत्म करते हैं यहीं पे, मैं हो जाता हूँ रेडी जिम के लिए और जिम निकलता हूँ और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया हो एंड मुझे टेक केयर बोल देना कमेंट में, ये उंगली मेरी जल्दी से ठीक हो जाए इसके लिए प्रे करो ताकि मैं अच्छे से बाइक चला पाऊं दोबारा। तुम्हारा भाई का प्यारा ब्लू हायाबुसा। तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को बिकॉज आगे आने वाला है बहुत कुछ जैसे कि मैं हर बार कहता हूं। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।